दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई 11 विकेट्स। 11 विकेट्स एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्लेइंग 11 बना के पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में पहले से ही कई सारे फीचर है जैसे कि लास्ट मिनट ज्वाइनिंग पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे कम कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे हर मैच में आपको फ्री लीग्स देखने को मिलता है। पर यहाँ पे और एक नया फीचर एड हुआ है, तो किसी भी मैच पर क्लिक करने पर आपको ऊपर दो ऑप्शंस मिलेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एक है एंटर कॉन्टेस्ट कोड और दूसरा है क्रिएट कॉन्टेस्ट। तो फीचर यह है कि आप अपना खुद का कॉन्टेस्ट बना के भी पैसे कमा सकते हो। आपको अपना खुद का कॉन्टेस्ट बनाना है और उसे शेयर करना है अपने जान पहचान के लोगों से। उसके बाद उस कॉन्टेस्ट से जितना भी फायदा कंपनी को होगा उसका 50% आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे में यह काफी यूनिक फीचर है जो बस आपको 11 विकेट्स की ऐप में मिलता है। तो मैंने भी 11 विकेट्स में मेरा एक कॉन्टेस्ट बनाया है। यह कॉन्टेस्ट नए यूजर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 20 रुपए से भी कम एंट्री फीस है और सिर्फ 32 लोग पार्ट ले सकते हैं जिसमें से 10 लोगों को गारंटीड फायदा होगा। तो नए यूजर्स के लिए बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट है जो कि 11 विकेट्स को सीखना चाहते हैं। तो मेरे कॉन्टेस्ट का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कॉन्टेस्ट इसी मैच का है। तो इस मैच पे क्लिक कीजिए ऐप को डाउनलोड करने के बाद और फिर एंटर कॉन्टेस्ट कोड कर दीजिए मेरा कॉन्टेस्ट कोड जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले बात करें होबार्ट हरिकेन्स की, तो होबार्ट हरिकेन्स ने पर्थ स्कॉर्चर्स को इस सीजन, इससे पहले इनका जो एक मुकाबला हुआ था उसमें हराया था। उस मुकाबले में डार्सी शॉर्ट ने बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाई थी, पर जब से डार्सी शॉर्ट ने टीम को छोड़ा है इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए तब से टीम का फॉर्म बिगड़ गया है। पिछले दोनों मुकाबले टीम हारी है। हरिकेन्स के लिए अच्छी खबर ये है कि मैथ्यू वेड का फॉर्म अच्छा है। पिछले दोनों ही मुकाबलों में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। डार्सी शॉर्ट जितना तो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा है, पर फिर भी दूसरे बैट्समैन के कंपैरिजन में मैथ्यू वेड की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है। तो बैटिंग में मैथ्यू वेड, डेविड मिलर, बेन मैकडरमॉट, सी जुएल के ऊपर दबाव रहेगा कि वो रन बनाए। इसके अलावा बॉलिंग में कयास अहमद और स्कॉट बोलंड को कमान संभालनी पड़ेगी। पर्थ स्कॉर्चर्स ने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ इस सीजन इससे पहले एक मुकाबला जरूर हारा था, पर उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सुधरा है। पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम भी टीम के पास है। बैटिंग में जॉश इंग्लिश, लैम लिविंगस्टोन, मिचेल मार्श, इसके अलावा कैमरन बैनक्रॉफ्ट, लगभग सभी बैट्समैन का फॉर्म बढ़िया रहा है। वहीं बॉलिंग में फवाद अहमद और जाय रिचर्डसन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो बढ़िया बॉलिंग करे। क्रिस जॉर्डन ने भी कुछ कुछ मुकाबले में बढ़िया बॉलिंग की है। इन दो टीमों के रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो होबार्ट हरिकेन्स ने पिछले 5 में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है, वही पर स्कॉर्चर्स ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। अभी बात करें इन दो टीमों के हेड टू हेड की, तो अभी तक ये दो टीमें बिग बैश की हिस्ट्री में 12 बार आमने सामने आई है। तो 6 बार होबार्ट हरिकेन्स और 6 बार पर्थ स्कॉर्चर्स ने मुकाबला जीता है। तो ऐसे में हेड टू हेड तो दोनों ही टीमों के लिए 50-50 है, पर रिसेंट फॉर्म से हमें पता चलता है कि पर्थ स्कॉर्चर्स का फॉर्म ज्यादा बेहतर रहा है। अभी बात करें मेरे इस मुकाबले के ड्रीम 11 टीम की या फैंटेसी 11 टीम की, तो मेरी टीम के विकेट कीपर होंगे मैथ्यू वेड या जॉश इंग्लिश। इन दोनों में से किसी भी एक को आप रख सकते हैं, दोनों का ही परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छा रहा है। तो विकेट कीपर तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। अभी बात करें टीम के बैट्समैन की, तो मेरी टीम में होंगे लायम लिविंगस्टन, सी जुएल, डेविड मिलर, जॉर्ज बेली, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मिचेल मार्श, साइमन मिलेनको, क्रिस जॉर्डन, जाय रिचर्डसन और स्कॉट बोलंड। और मेरी टीम के कैप्टन होंगे मिचेल मार्श और मेरी टीम के वाइस कैप्टन होंगे लायम लिविंगस्टोन। एक और चीज, आपको दोनों ही टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 या वो 11 खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है दोनों ही टीमों की तरफ से ये मुकाबला खेलेंगे, तो वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उससे आपको आपकी खुद की फैंटेसी प्लेइंग 11 बनाने में भी काफी ज्यादा मदद होगी। अभी बात करें पिच रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट की, तो यहाँ पे वेदर फोरकास्ट यह है कि मैच के दौरान बादल रहेंगे, पर अच्छी खबर यह है कि बारिश के चांसेस नहीं है, तो हमें मैच पूरा देखने को मिलेगा। ये मुकाबला बेलेरी ओवल में खेला जाएगा और इस ग्राउंड पे इस सीजन इससे पहले 2 मुकाबले खेले गए हैं और उन दोनों ही मुकाबले में पिच ने थोड़ा अलग बिहेव किया था। एक मुकाबले में काफी ज्यादा रन बने थे, 200 ज्यादा रन, वही एक मुकाबले में 160 रन बने थे। तो ऐसे में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 180 का है, तो यहाँ पे हम लोग 180 के आसपास रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 2 मुकाबले खेले गए थे उनमें एक मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था, वही एक मुकाबला पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीता था। तो 50-50 है टॉस जीतने के बाद, पर फिर भी मुझे लगता है पहले बैटिंग करना ही ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन होगा। अभी बात करें मेरे प्रेडिक्शन की, तो मेरा मानना है ये मुकाबला जीतेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स क्योंकि उनका फॉर्म है काफी बेहतर। तो मेरा प्रेडिक्शन है पर्थ स्कॉर्चर्स, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।